हेलो फ्रेंड्स, एनईटी का नया वीडियो के लिए पूरा आत्मिक स्वागत है। आज मैम बताया तो ये स्टार्टर रिपेयरिंग ये कैसे रिपेयरिंग है तो बताने के लिए। अरे मोटर ख़राब है तो पास चेकिंग करना चाहिए, तो स्टार्टर का कैपेसिटर है ना, ये भी पास चेकिंग करना चाहिए। देखो हमारा स्टार्टर का कैपेसिटर देखो पूरा ब्लास्टिंग हो गया, ये नहीं यूज़ करते हैं, ये चेंजिंग करके नया डालना चाहिए। ये कैपेसिटर डैमेज है तो हमारा मोटर नहीं चालू नहीं होता है, इसके लिए निकल के नया कैपेसिटर डालना चाहिए। स्टार्टर के अंदर दूसरे एक कंप्लेंट भी आता है, ये वायर खराब आता है। ये वायर खराब है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये वायर कटिंग करके दूसरा डालेगा तो ये ठीक आएगा। कैपेसिटर खराब होता है तो ये कैपेसिटर निकल के दूसरे डालेगा। बाद में हमारे मोटर भी चेक करना चाहिए, मोटर भी कुछ कंप्लेंट है और कुछ कंप्लेंट है तो ये चेक करना चाहिए। ये कैपेसिटर खराब होने के लिए फर्स्ट रीज़न है ये तो लाइन वोल्टेज का प्रॉब्लम है और ज़्यादा पहले का कैपेसिटर है, ऐसा है तो कैपेसिटर डैमेज होने के लिए चांस ज़्यादा है। ये स्टार्टर में ये तो एक कैपेसिटर कंप्लेंट है, ये तो एक कैपेसिटर निकल के दूसरे डालेगा तो ये ठीक आएगा। फिर भी ठीक नहीं है तो ये मोटर भी चेक करना चाहिए, मोटर का अंदर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो एक कैपेसिटर डैमेज चांस ज़्यादा है। ये कैपेसिटर चेंजिंग करने के टाइम बिजली ऑफ करना चाहिए, नहीं है तो शॉक मारने के लिए चांस ज़्यादा है। ये पूरे कनेक्शन रेडी करके बिजली ऑन करना चाहिए। ये कैपेसिटर चेंजिंग करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है, इसका पहले का कैपेसिटर ना इसका सेम वायर वायर में डाल कर रखो, सेम वायर के कौन सा में कनेक्शन करके रखा, निकल के नया कैपेसिटर काउंटर में डालो, इतना ही है। कैपेसिटर चेंजिंग करके हमारा मोटर नहीं चालू है तो ये भी मोटर का कंप्लेंट भी चांस ज़्यादा है, ये मोटर निकल के चेक करना चाहिए। तो बाइंडिंग भी कंप्लेंट आए तो ये प्रॉब्लम आएगा और दूसरे कुछ कंप्लेंट आए तो ये प्रॉब्लम आएगा। ये नहीं चालू नहीं है तो ये मोटर वर्क करके ये चेक करना चाहिए। ओके मैम, इधर नया कैपेसिटर डाल के रखा देखो, ये हैवल्स का कैपेसिटर है, ये पहले वाले के देखो अच्छा नहीं है, ये यूज़ नहीं करते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।